सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसी पीडिया चैनल का #AskTCP54। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसी पीडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा पूछे गए ढेर सारे सवालों में से लॉटरी द्वारा चुने गए कुछ चुनिंदा सवालों के सही जवाब। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है, ये बोलते हैं, हेलो सर, माय सेल्फ राज संदीप गोसर फ्रॉम डोंबिवली मुंबई। सर, बिग फैन ऑफ यू। इट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। आई वांट टू आस्क प्राइस ऑफ 3 ढोकड़ा जॉर्ज फिफ्थ महाराव श्री खेंगर जी सवाई बहादुर कॉइन प्रिंसली स्टेट कच्छ ईयर 1985-1992 कंपोजिशन कॉपर वेट 16.65 ग्राम। सर प्लीज रिप्लाई टू मी इफ पॉसिबल एंड वेरी मच थैंक टू यू सर जी फॉर मोटिवेशन एंड आई एम आल्सो गेनिंग ग्रेट नॉलेज बाय TCP। सर, महाराव श्री खेगार जी सवाई बहादुर कच्छ के तीन दोकड़ा के इस एक कॉपर कॉइन की वैल्यू आज की तारीख में चल रही है 800 रुपये से 1500 रुपये। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले एक हफ्ते तक और ज़्यादा सख्ती होगी। ये सब इसीलिए हो रहा है कि आप और हम तो पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से ये लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा अपन इस बात पे भी गौर करें कि अपने रिश्तेदार या दोस्त जो हैं वो लॉकडाउन को तोड़ तो नहीं रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करें घर में रहने के लिए और ये उम्मीद करें कि ये अंतिम बार इस जन्म में अपने को लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, इसके बाद कभी नहीं रहना पड़ेगा। और ये अंतिम कुछ और दिन दिए हैं आपके शौक को या आपके बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए, तो एक लिस्ट बनाएं और बचे हुए कामों को तुरंत पूरा करें ताकि नए जोश और नई शक्ति के साथ आप और हम सब मिलके देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएं और आने वाले दिनों में सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में अपना योगदान दें। तो एक बार फिर से निवेदन है आप सभी से कि कृपया घरों में ही रहें। प्रधानमंत्री जी ने 7 बातों में आपका और हमारा साथ मांगा है, तो हम वादा करते हैं कि आप और हम मिलके प्रधानमंत्री का इन 7 बातों में साथ देंगे। धन्यवाद। अगला सवाल है गुलाम हसन जी का, ये लिखते हैं, सर आई हैव किंग जॉर्ज फिफ्थ कॉइन ऑफ 2 आना ईयर 1929 कॉइन इन स्क्वायर शेप। सर सेम ही दिस कॉइन वैल्यू एंड आई हैव क्वीन विक्टोरिया 1/4 आना कॉइन ईयर 1889 सेम ही दिस कॉइन वैल्यू आल्सो एंड सर आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 4 to 5 times सर प्लीज सेम ही आंसर। गुलाम हसन जी, मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग एक बार में एक ही सवाल पूछा कीजिए। एक टाइम में यदि आप एक से ज़्यादा सवाल लिख के भेजते हैं तो ज़्यादातर हम उन सवालों को लॉटरी में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने लिखा है कि 4 से 5 बार आपने ये सवाल पूछ लिया है, इसलिए मैं इसको शामिल कर रहा हूँ। सर, 2 आना स्क्वायर शेप वाले जो कॉपर और निकल की मिश्र धातु में 5.83 ग्राम के बने थे और इनका शेप स्क्वायर है, लेकिन कॉर्नर जो है इसके वो गोलाई लिए हुए हैं और इन सिक्कों में 1918 से लेके 1936 तक के जितने भी 2 आना के कॉइन बने हैं वो ज़्यादातर कॉइन रेयर या स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, और आपके पास जो कॉइन है 1929 का जो कि मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा ढाला गया था और ये भी स्क्वायर कॉइन है, लेकिन इस टाइप के कॉइन की एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर किसी पीटी नॉर्मल कंडीशन है तो आपको इसके नॉर्मल पैसे ही मिलेंगे। तो इसकी प्राइस ये 30 रुपये से लेके 3000 तक, और ये जो 1/4 आना है 1889 का, ये बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंटों ने डाले थे, लेकिन ये कॉमन कॉइन है और इसकी वैल्यू है 15 रुपये से 700 रुपये तक। रूही खान जी लिखते हैं, राज ज्ञानी सर, हाय, आई एम शाहिद खान, मुंबई, वाई वी रेड्डी डी सुब्बा राव, 10 रुपीज़ नोट 50 रुपीज़ नोट बिना सन वाले क्या रेट है, प्लीज़ कीमत बताएं। सर, डॉक्टर वाई वेणुगोपाल रेड्डी जी का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक का था, और 2005 के पहले किसी भी नोट पर प्रिंटिंग ईयर नहीं लिखा हुआ आता था। डी सुब्बा राव के विदाउट सन वाले नोट मेरी जानकारी के अनुसार नहीं छपे हैं। 2005 से नोटों पर प्रिंटिंग ईयर लिखना चालू किया गया। 10 रुपये के वाई वी रेड्डी जी के नोट
जो बिना किसी प्रिंटिंग ईयर वाले हैं, उसमें कोई भी वैल्यूएबल नोट नहीं है, सभी कॉमन है। लेकिन हाँ, 50 रुपये में एक नोट ऐसा ज़रूर है जो थोड़ा वैल्यूएबल है और जिसके आपको अधिकतम 500 रुपये तक मिल सकते हैं UNC कंडीशन में। ए फिनसेट वाले 50 रुपये का ऐसा नोट जो YB रेड्डी के सिग्नेचर में जारी किया गया था और इस पर कोई प्रिंटिंग ईयर नहीं है, इस नोट के आपको अधिकतम 500 रुपये मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी 50 रुपये के नोट हैं या 10 रुपये के नोट हैं बिना प्रिंटिंग ईयर वाले YB रेड्डी जी के, वो सभी कॉमन नोट हैं, उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अगला सवाल है मोहम्मद इस्माइल जी का। ये जानना चाहते हैं 1949 KRK मेनन 1 रुपीस नोट की वैल्यू। सर, KRK मेनन का 1 रुपीस नोट 12 अगस्त 1949 को ग्रे और ग्रीन कलर में 64x101 mm की साइज में बड़े अशोका पिल्लर के साथ छापा गया था। इसके मध्य में 1 रुपीस इंग्लिश में और उसके नीचे इंटरनेशनल अंकों में 1 लिखा हुआ है और यह 1 रुपये का पहला ऐसा नोट है जिसकी एक गड्डी में 100 नोट को स्टेपल किया गया था और इसके बैक साइड में 1951 से 1 रुपये के सिक्के की प्रतिकृति छापी जाती है। लेकिन 1949 और 1950 में जो नोट छपे थे उन दोनों नोटों में बैक साइड में ये फूलों की आकृति छपी हुई है, यहाँ पे किसी सिक्के की फोटो नहीं दी गई है। शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा, बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया होगा कि 1 रुपये के यह दोनों नोट ऐसे नोट हैं जिन पर 1 रुपये का सिक्का छपा हुआ नहीं आता था। 1 रुपये का सिक्का छापना जारी किया गया था 1951 से और आज की तारीख में इसका मार्केट वैल्यू चल रहा है 3,000 से 8,000 रुपये के बीच। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये का मात्र एक नोट, इसकी मार्केट प्राइस है 3,000 रुपये से 8,000 रुपये। अगला सवाल निकल कर आया है राधे राधे की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्ते ज्ञानी जी। सर, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम अनिल सोनी है। मेरे पास ब्रिटिश काल के सिक्के हैं, आप कोई एक रेयर कॉइन के बारे में बताएं, मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिटिश काल में बहुत से रेयर कॉइन हुए हैं, फिर वो गोल्ड के भी हुए हैं, सिल्वर के भी हुए हैं और कॉपर निकल के भी हुए हैं और हम इन विषयों पर बहुत से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप सभी वीडियो देखेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया कि सभी वीडियो कैसे देखना है, आप सभी वीडियो देखें, एक नोटबुक उठाएं और उसमें सभी नोट करते जाएं। लेकिन यदि आपको एक सिक्का जानना है तो ठीक है, अगर आपके पास 1939 1 रुपीस कॉइन है ओरिजिनल, तो वो रेयर है और उसकी काफ़ी अच्छी कीमत मिल सकती है आप, और बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपके ज्ञान में और इजाफा होगा। बहुत से रेयर कॉइन हैं ब्रिटिश में, तो आप वीडियो देखें, बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद। और एक सवाल शामिल कर रहे हैं हम सिर्फ उदाहरण के लिए, और पहले ही हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं अब्बास अली जी से। अब्बास भाई, कृपया आप बुरा मत मानिएगा, आपके इस एक सवाल से हम हमारे बाकी सारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सवाल लिखने में कहाँ गलती होती है। जो गलत सवाल होते हैं उनका जवाब हम नहीं दे पाते हैं, सिर्फ यह समझाने के लिए आपके सवाल को मैं एक उदाहरण के रूप पे ले रहा हूँ। इसमें लिखा है, हाय राजज्ञानी सर, मेरा नाम है अब्बास अली और मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। यहाँ तक सब ठीक है, आपने हैशटैग भी लगाया, आस्क TCP भी लगाया, आपका नाम भी लिखा और आपके शहर का नाम भी लिखा, इसके लिए आपको पूरे 10 में से 10 मार्क दिए जाते हैं। लेकिन अब जो आपने क्वेश्चन लिखा है, मुझे ये जानना था कि नोएडा का छपा हुआ जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर 1945 कॉइन का प्राइस कितना होगा। अब नोएडा की मिंट ही पैदा नहीं हुई थी 1945 में, तो वहाँ का छपा हुआ सिक्का आपके पास कैसे आ जाएगा। तो इसलिए इस सिक्के का मैं क्या जवाब दूँ। यहाँ तक भी मैं दे सकता हूँ कि चलो ठीक है सर, 1945 में नोएडा मिंट नहीं बनी थी, तो आपके पास किसी और मिंट का कॉइन होगा। लेकिन आपने ये लिखा है कि जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर 1945 कॉइन का प्राइस कितना होगा। कॉइन जो है वो जॉर्ज सिक्स का, आपके पास कौन सा कॉइन है, डिनोमिनेशन क्या है, वो नहीं लिखा आपने। जब तक आप डिनोमिनेशन नहीं लिखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास कौन सा सिक्का है और हम किस सिक्के की वैल्यू बताएं आपको। तो इस तरीके के जो आधे अधूरे सवाल होते हैं, वो सवालों का जवाब हम मजबूरी वश नहीं दे पाते हैं। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जवाब जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जिनको भी सवाल के जवाब नहीं मिले, अपने पुराने सवाल चेक करें कि उन्होंने सही सवाल किया है या गलत सवाल किया है। अब्बास अली, एक बार फिर से माफ़ी चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों को ये बताना था कि वो कहाँ गलती करती। तो आप भी दोबारा सवाल कीजिए, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। एक बहुत ही दर्द भरा खत आया है हरप्रीत सिंह जी की तरफ से। ये लिखते हैं, सर जी, मैंने आपकी वीडियो पे कमेंट किया था
कि मेरे पास 1985 एच मार्क वाला सिक्का है। तो किसी ने मुझे फ़ोन किया तो मेरे 3500 रुपये काट लिए मेरे अकाउंट से। साथ में उन्होंने खुद का फ़ोन नंबर दिया है और लिखा है कि आप मुझे सलाह दें कि मैं क्या करूं। और आगे लिखते हैं, सर वो ही पैसे थे मेरे पास, अब मैं क्या करूं? जिसने मेरे पैसे काटे हैं उसका नंबर है 7292967425। सर वाकई दुख हो रहा है मेरे को आपका कमेंट पढ़ के, और मैं क्या बताऊं आपको कि आप क्या करो। अभी पिछले कई वीडियो में लगातार बोल रहा हूं मैं कि किसी भी तरह की फ़ीस नहीं लगती है, अवेयर रहें, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, लूटेंगे, करेंगे, पर आप समझते नहीं हैं और दे देते हैं पैसे, अकाउंट नंबर और OTP और सारी चीज़ें। तो मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो इसकी पुलिस रिपोर्ट करें, और बाकी सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे फिर हाथ जोड़ के एक बार और निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आप सिक्के या नोट महंगे रेट में बेचने की लालच में आके अपनी खून पसीने की कमाई को गंवाएं ना। किसी भी तरह की फीस के नाम पर कुछ भी पैसा एडवांस ना दें प्लीज़। अगला एक प्यारा सा खत लिखते हैं PR सिंह बल जी। ये लिखते हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण एवं गहन अध्ययन कर ज्ञान देने का आपका प्रयास इन दिनों बहुत सफल है। यह सब लॉकडाउन का ही आशीर्वाद लग रहा है। मैं सोचता था कि 10 पैसे के 6 सिक्के ही बने हैं, आपसे जानकारी मिली कि पूरे 10 सिक्के बने थे, भ्रम टूट गया और जानकारी में इजाफा हुआ, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अगले वीडियो में बताइएगा कि क्या 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा में भी कोई स्मारक सिक्का बना था या नहीं। एक बार फिर से शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका सर, इतने अच्छे शब्दों में हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, और आप जैसे लोगों के प्यारे प्यारे शब्द ही हमें एनर्जी देते हैं और हम काम कर पाते हैं, आगे वीडियो बना पाते हैं। आपकी और बाकी सभी की जानकारी के लिए भी हम बता दें कि कमेमोरेटिव कॉइन में सबसे छोटी डिनोमिनेशन में 5 पैसे के सिक्के बने थे और उसके बाद 10 पैसे के। तो 5 पैसे वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, 10 पैसे वाला भी आपने देख लिया। आगे आने वाले दिनों में हम आपको 20 पैसे और 25 पैसे वाले स्मारक सिक्कों के बारे में बताएंगे। 1 पैसे, 2 पैसे और 3 पैसे में कोई स्मारक सिक्का नहीं बना है। धन्यवाद, आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए। अगला सवाल निकल कर आया है तरुण विश्वास जी का। ये लिखते हैं, नमस्ते ज्ञानी जी, मैं तरुण बोल रहा हूँ जयपुर से। सेठ जी, मेरे पास 1 रुपया कॉइन है 1916 जॉर्ज किंग एम्परर, इसका रेट नोएडा मिंट बताइए। तरुण सर, यदि नए नए जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे धीरे धीरे, हमारे पुराने सभी वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और सभी वीडियो भी देख लिए हैं तो ज़रूर हमारे लिए चिंता और अफसोस की बात है, कहीं ना कहीं हमारे में ही कोई कमी होगी जो आपको अभी तक यह नहीं समझा पाए कि 1960 में नोएडा मिंट का जन्म ही नहीं हुआ था तो सिक्के कैसे ढल सकते हैं। बहरहाल 1916 1 रुपीज़ जो कि बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में ढाले गए थे, आज का रेट है 350 रुपये से 850 रुपये। दोनों मिंट के कॉइन कॉमन कैटेगरी के कॉइन हैं। विनोद जी लिखते हैं, आई एम विनोद मानक तोला फ्रॉम न्यू दिल्ली एट द मोमेंट एट सिडनी। आई विश टू नो व्हेन इंडियन गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग पॉलीमर करेंसी नोट इन इंडिया। माई grandson has sent a gift for you and it is with me. I shall have the honor of delivering it to you when we meet after my return to New Delhi. Greetings to the family. शुक्रिया, मेहरबानी विनोद जी, खास करके आपके grandson को, कि इतनी छोटी उम्र में भी वो किसी और के लिए सोच रहे हैं, मतलब उनमें देने का भाव है। तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं इंतज़ार करूँगा, जब भी अपन मिलेंगे मैं आपसे वह गिफ्ट ले लूँगा। और एक्चुअल मेरे मन में ये विचार है, मेरी अभिलाषा है कि मैं एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाऊं और उस म्यूजियम में पूरी दुनिया के जितने भी लोग उस म्यूजियम में अपना योगदान देना चाहें, मैं उनके नाम के साथ वो सिक्के डिस्प्ले करूं, वो नोट डिस्प्ले करूं, ताकि आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ी आएगी उसको मालूम पड़े अपने देश के बारे में, संस्कृति के बारे में और इतिहास के बारे में। तो धन्यवाद, जब भी मिलेंगे मुझे खुशी होगी आपके ग्रैंडसन की गिफ्ट लेके। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है इम्तियाज खान चौहान जी की तरफ से। ये लिखते हैं, नमस्ते सर, आई एम योर रेगुलर व्यूअर एंड ओल्ड कमिटेड सब्सक्राइबर। यूअर वीडियोज़ आर वेरी नॉलेजेबल एंड अप टू द मार्क। सर आई वॉन्ट वन सजेशन। सर आई हैव लेटेस्ट सीरीज ऑफ ₹10 नोट नंबर 46U348691 with ace insert, which is normal on face side, but the background of this note is not printed. It's totally blank except design
on paper, nothing written down. I would like to know the value of this note and is it rare to have this? Sir, इस तरह के नोट की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी कंडीशन पर और इसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो टोटली ब्लैंक है, पूरी तरह से वाइट है एक तरफ और एक तरफ पूरी तरह प्रिंटेड है और उसकी कंडीशन कितनी अच्छी है। तो नॉर्मली अच्छी कंडीशन के यूएनसी नोट के आपको इसके 15,000 रुपये तक मिल सकते हैं। जी हाँ, एक 10 रुपये का नोट जो एक तरफ से छपा हुआ है और दूसरी तरफ से ब्लैंक है, बिना छपा हुआ है, खाली कोरा है, उसके आपको एक नोट के 15,000 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन यदि उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है या पूरी तरह से ब्लैंक नहीं है, फिर भी आपको उसके मिनिमम 2,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे। तो देखा दोस्तों, ये तो थे आपके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब। यदि आपके मन में भी हो कोई नया सवाल तो सबसे पहले आप हमारे पुराने सभी वीडियो देख लीजिए। हमें उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको हमारे पुराने वीडियो में अवश्य मिल जाएगा। यदि उसके बाद में भी आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले तो बहुत खुशी की बात है, हमें भी नए सवालों का जवाब देने में आनंद की अनुभूति होती है। तो आप हमें लिख भेजिए आपका सवाल, सबसे पहले #AskTCP, उसके बाद आपके शहर का नाम, आपका नाम और आपका सवाल। सवाल को पूरा लिखिएगा, आधे अधूरे सवाल को हम लॉटरी में शामिल नहीं कर पाते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप इस चैनल पर भारतीय करेंसी नोटों व सिक्कों के बारे में सवाल करें। यदि आपके मन में विदेशी करेंसी नोटों व सिक्कों के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल पर, जिसका नाम है द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल, उस चैनल पर आप विदेशी सिक्कों व नोटों के बारे में सवाल करें। उसमें आप #AskTCP और साथ में आई भी लगाएं, क्योंकि द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल, तो TCPI और ये वाला है द करेंसीपीडिया, तो इस पे लगाएं आप TCP। तो ठीक है, समझ गए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए अद्भुत ज्ञानवर्धक, रोचक व मनोरंजक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।